गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा नीट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर फोटोसिंथेसिस से हैं। तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो नीट में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ। ये एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी का, और उसमें बताया है ब्लू और रेड लाइट जो है जिस रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहीं पर इनका एक्यूमुलेशन होता है, और वहीं पर जो है ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दिया हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये उड़ीसा में नीट 2019 में आया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती? तो ये सल्फर बैक्टीरिया है, क्योंकि ये H2S यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ये प्रूफ करने के लिए था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से इवॉल्व होती है, तो उन्होंने H2S को जो है यूज़ किया जाता है। जो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो H2S यूज़ करते हैं, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है जो सल्फर इसमें से निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और ये नीट 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे इसमें से ऐसा कौन सा है जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा ATP भी प्रोड्यूस होता है, NADPH भी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, बट NADH नहीं होता। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें NADH प्रोड्यूस नहीं होता। NADPH जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको फियोफाइटिन लेता है, फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन लेता है, फिर उसके बाद जाता है B6 साइटोक्रोम BF1 पे, और उसके बाद प्लास्टो सियानिन पे जाता है, और फिर PS1 पे जाता है। तो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोक्विनोन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, PS2 टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये भी आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस होती है, यानी स्प्लिटिंग होती है वाटर की, तो ल्यूमेन ऑफ थायलाकोइड्स जहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहीं पर प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये भी नीट 2016 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट इज़ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये C4 प्लांट्स के अंदर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट होता है, और C3 प्लांट के अंदर रुबिस्को होता है। सो C4 प्लांट के अंदर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो पाइरूवेट है वो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। आपको यहीं से समझ जाना चाहिए ये फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को अवॉइड कर रहा है। इसका मीन्स ये कौन से प्लांट हैं? C4 प्लांट्स, क्योंकि C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, कैम में भी फोटो रेस्पिरेशन होता है, पर वो किसके लिए होते हैं? कैम वाले वो होते हैं वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो जब वो ये अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पिरेटरी, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से प्लांट हैं। C4 improve water use efficiency, show high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? किस में डालेंगे? C4। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल शीथ सेल आर रिच इन पैप कार्बोक्सिलेस, लैक रुबिस्को, लैक बोथ रुबिस्को एंड पैप। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? आर रिच इन रुबिस्को। तो आपको पता है कि बंडल शीथ सेल के अंदर C3 पाथवे चलता है, तो इसका मतलब वहाँ पर रुबिस्को होगा। ये कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को होता है, क्योंकि यहाँ पे C3 पाथवे चलता है। नेक्स्ट, कैम हेल्प्स द प्लांट इन ए कंजर्विंग वाटर।
अभी मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस से, तो वाटर को कंजर्व करते हैं, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन क्रैंस एनाटमी द बंडल शीथ सेल हैव, बंडल शीथ सेल अगर आपको पता हो तो इस तरह से वस्कुलर बंडल के चारों तरफ इस तरह से होती हैं बड़ी बड़ी सेल्स, जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है और एक साथ लगी होती हैं और बहुत थिक होती हैं ताकि गैस वहाँ पे एंटर ना करे। तो ये थिक वॉल होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, एक रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो थिक वॉल, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेटर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या बनता है यहाँ पर। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर एक तो PGA बनता है और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, टू कार्बन कंपाउंड, और एक बनता है थ्री कार्बन कंपाउंड। तो टू कार्बन कंपाउंड और थ्री कार्बन कंपाउंड बनता है एक, तो इसमें क्या ऑप्शन है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, नहीं, वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड सही है, इसका बी ऑप्शन, वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, अभी हमने पढ़ा है कि C4 प्लांट वो हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और C3 प्लांट वो हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। सो इसका थर्ड ऑप्शन यानी फोटो रेस्पिरेशन सही है, ये भी नीट 2020 का यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो नीट के अंदर आए हैं, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।